मुल्क में मुर्गी और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा है। पोल्ट्री मालकान ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने सेंट्रल चेयरमैन चौधरी अशरफ का कहना है कि कराची पोर्ट पर सोयाबीन की सप्लाई और सोयाबीन और कैनोला पोल्ट्री फील्ड में इस्तेमाल होने वाले अहम जुज हैं। बंदरगाह पर मौजूदा सोयाबीन के क्लियरेंस के अहकाम जारी किए जाएंगे ताकि पोल्ट्री की सनत को फौरी तौर पर फराहम किया जा सके। पोल्ट्री सेक्टर इंतहाई क्राइसिस में है। ऑलमोस्ट तकरीबन आधा बंद हो गया या बंद होने के तरफ जा रहा है एक हफ्ते चलते। इस वक्त जो सिचुएशन है पोल्ट्री इंडस्ट्री की, हमारा जो मेन कंपोनेंट फीड है, फीड बनाने के लिए हमें उस फीड में 33 से 34% हम सोयाबीन मील यूज़ करते हैं। वो सोयाबीन मील जो है वो सोया सीड के शक्ल में पोर्ट पे 6 जहाज जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी आपस में जो भी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो रहे और फीड मिलर को सोयाबीन मील नहीं मिल रहा और हमें फीड नहीं मिल रही। नेक्स्ट जो विद इन मंथ अगर ये नहीं क्लियर होता है तो विद इन मंथ इसकी अवेलेबिलिटी होगी ही नहीं।